सिर्फ एक मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तब यहीं पर तब यहां पैसा आएगा, तब यहां के लोगों का उन्नति और उत्थान होगा। सबसे बड़ी बात क्या देख लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री यहां आए थे और उन्होंने एक बात कहा था कि बिहार वासियों, अगर मैं जीतता हूँ या न जीतता हूँ फिर भी मैं यहाँ पर सवा लाख करोड़ रुपया मैं बिहार की उन्नति के लिए दूंगा। आखिर वो इस चीज पर 3 साल खत्म हो गया, आज तक उन्होंने पैकेज नहीं दिया। हद तो ये है कि पिछले बार से जो बिहार के एरिया क्रश हुआ वहां पर आज तक जो उन्होंने बातें किया था वो पैसा नहीं पहुंचा। इसलिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया है। देखिए जहां जहां विशेष राज्य का दर्जा है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में सबसे निचले स्तर पर अगर कोई आ रहा है तो बिहार आ रहा है। उड़ीसा पहले आता था देखिए, लेकिन वो उन सबको विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद वो लोग आज कितने उन्नति और खुशहाल होते जा रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ के किसान प्लान कर रहे हैं, हमारे बेरोजगार यहाँ से प्लान कर रहे हैं। अगर यहाँ पर विशेष राज्य के दर्जा के तहत यहाँ पर पैसा आता है और फंडिंग आती है तो सबसे पहले यहाँ पर कारखाना लगेगा, जो किसान है उनको कर्ज मिलेगा, वो अपनी खेती करेंगे और वो यहाँ से प्लान नहीं करेंगे। इसलिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक पूर्व से ये धरना पड़ता है जो हमारा देखिए काम कर रही है। और मुझे अफसोस है कि इस नेता यहाँ से बोल के जाते हैं लेकिन हमारे बिहार के अफसर वहाँ पर मौजूद हैं। जो बिहार के अफसर को भी चाहिए कि यहाँ पर बिहारी जो दशा है उसको अपनाते हुए कोई ऐसा प्रावधान वहाँ पर ला के दे ताकि जो है विदेश राज्य अभियान कर सके और उससे यहाँ के लोगों को फायदा पहुँचे। इस शहर में जाकर बिहारी को गाली दे बिहार हमारा जो अहम मुद्दा है वो विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के हम लोग ने बिहार को एक व्यापी आंदोलन के रूप में हम लोग ने बदलने की कोशिश किया है। यहाँ से तो छोटी सी आगाज हुई है लेकिन आगे जो है पप्पू यादव जी के नेतृत्व में पूरा बिहार बंद रहेगा और मुन्ना खान जी के नेतृत्व में पूरा दरभंगा हम लोग बंद करने का काम करेंगे। यहाँ से तो छोटी सी आगाज हुई है, आगे अभी और देखना कितना बाकी है।